हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 6 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी। स्पेशल नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे फिक्की को, स्टेट में हम आज गुजरात को डिस्कस कर लेंगे, स्टैटिक जी के डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। अब ये लाइन तो बहुत छोटी है, पर इसका मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग को अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो हम भाग्य का रोना रोने लगते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, हमारी किस्मत में नहीं था। तो आप ये देखिए ना कि अगर आप मेहनत पूरी कर रहे हैं तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा। हो सकता है मेहनत में आपकी में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिस कारण आपको जो भी आप चाह रहे थे वो आपको हासिल नहीं हुआ है। इसलिए भाग्य का रोना मत रोइए और अपना तैयारी कीजिए और अपने प्रयास को इतना अच्छा कीजिए कि आपको सफलता अवश्य मिल जाए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 के लिए विषय क्या रहा था। कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया गया, ये हम आपको बता भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, और इसकी जो थीम रही है वह भी बताइए, पर इसकी थीम जो रही है वो रही है आई एम आई विल। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को भारत और किस देश ने अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो नॉर्वे के साथ ही हस्ताक्षर किए गए। नॉर्वे की कैपिटल होती है ओस्लो और करेंसी होती है क्रोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय विश्व शांति पूजा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है पोखरा, नेपाल में। नेपाल की कैपिटल आप सभी को पता है काठमांडू। काठमांडू से आपको याद रहना चाहिए सार्क का हेडक्वार्टर, और सार्क का हेडक्वार्टर तो काठमांडू के अंदर है, पर इसकी जो स्थापना हुई थी वह ढाका में हुई थी। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है, और वहाँ की करेंसी क्या है? टका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी को किस संगठन ने देशों से नए कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है, जो बीमारी के खिलाफ अपने स्वयं के संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया। अब जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। अब विश्व बैंक से जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हैं डेविड मालपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है। तो वो रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं कमलनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो वो है दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तरीय पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है। तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जिसने जिला स्तरीय पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1 करोड़ से कम की आबादी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तरीय पुरस्कारों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर का नाम क्या है। तो वो है सरचिप मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दुर्घटना दर के लिए परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2018-19 के विजेता कौन बने हैं। तो बनी है DTC, मतलब दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन है, जो जिसे विजेता करार किया गया है सबसे कम दुर्घटना दर के लिए परिवहन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष से वह पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिन्हें परिवर्तन के लिए आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत स्पर्धा गंगा पहल के साथ पर्यावरण के प्रति दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो वो है आरुषि निशंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन के लिए आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण के लिए पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो उनका नाम है अनुराग ठाकुर, राज्य वित्त और कॉरपोरेट मामलों के ये मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन के लिए आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत अभियान के लिए पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिल्पा शेट्टी, अभिनेत्री, और इनके हस्बैंड हैं राजकुंद्र, जो कि एक बिजनेसमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च जॉन क्लार्कसन फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं डॉक्टर साइमा यूनुस खान। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च जॉन क्लार्कसन फेलोशिप पाने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर साइमा यूनुस खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमिताभ भट्ट। और ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं, अधिकारी बने हैं, वो बने हैं अमिताभ भट्ट। राज्य विशेष से न्यूज़ देख लेते हैं, उच्च बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना कहाँ चल रही परियोजना है? अब जो उच्च बहुउद्देशीय है, उच्च नाम आपको याद रखना, ये परियोजना है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में उज नदी पर, जो रावी नदी की एक सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ समक्का और सरलम्मा महाजत्रा या मेदाराम जत्रा नामक जनजातीय उत्सव का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना के मुलुगु जिला में 5 फरवरी से ये इस प्रारंभ किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, अगर एग्जाम में आएगा तो ये नाम दिए जा सकते हैं, तो ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे राज्य कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी तक महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है? तो वो हैं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना। ओके, दिल्ली की कैपिटल सभी को पता है न्यू दिल्ली होती है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता कैपिटल, ओडिशा की भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद कैपिटल हो जाती है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं वहाँ से सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई? 1929 में 16 जुलाई को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में हुई, मुख्यालय बेंगलुरु में हो जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, मुख्यालय वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और आप हमें YouTube के साथ साथ Facebook और Insta पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन और शेयर चैट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Twitter और TikTok अकाउंट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, हेलो अकाउंट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है डिटेल में उनकी। देश में आंगनवाड़ी लाभार्थी RTI पर सरकार की प्रतिक्रिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण आंगनवाड़ी सेवाएं 7.02% के कम, बहुत कम लाभार्थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 92.8% आंगनवाड़ी है, पर जो शहरी क्षेत्र है उसमें 7.02% है, तो जो कि बहुत कम लाभार्थी। प्रत्येक भारत में प्रत्येक 100 आंगनवाड़ी लाभार्थियों के लिए सूचना के अधिकार के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के अनुसार शहरी क्षेत्रों में केवल 7 हैं। यह मुख्य रूप से शहरों में आंगनवाड़ियों की भारी कमी के कारण है, जिससे बचपन के विकास में सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के अपर्याप्त कवरेज हो रही है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर पूछा गया तो एग्जिस्ट डेटा पूछा जाएगा कि गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी है वो कितनी, 92.8% है, और शहरी क्षेत्रों में 7.02% है। ओके, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। अब ये समाचार में आखिर है क्यों? इस वर्ष जनवरी तक भारत में 723 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK की स्थापना की गई है। लोकसभा में अनुपूरकों को जवाब देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि उनका मंत्रालय छोटी अवधि के विकास प्रशिक्षण के लिए एक मांग संचालित योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 2016-20 मतलब 2016 से 2020 लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ भट्ट HAL बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में नए CEO बन गए हैं। ये अभी हमने ऑनलाइन में आपको बताया अभी था। अमिताभ भट्ट बेंगलुरु मुख्यालय स्थित PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो जाता है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वह कौन हैं? तो वो हैं अमिताभ भट्ट। तो ये आपके लिए, अब इसके प्रमुख बिंदु देख लिए थे। इससे पहले वे कार्यकारी निदेशक के रूप में HAL और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास HAL में 32 साल का समृद्ध पेशेवर अनुभव है। उन्होंने मार्केटिंग, प्लानिंग और परियोजनाओं को गति प्रदान की है। उन्होंने परियोजना के प्रमुख रूप में टीम का नेतृत्व भी किया और एक एकीकृत नए हेलीकॉप्टर कारखाने की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जो 3,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में उद्यानोत्सव हुआ है। 3 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु इसके क्या रहेंगे? मुगल गार्डन आम जनता के लिए 10 मार्च 2019 तक खुला रहेगा। इसका समय जो रहेगा वो 9 बजे से 4 बजे के बीच होगा। जो भी दिल्ली के पास है, राष्ट्रपति भवन के पास है, वो इस गार्डन को देखने जरूर जाए। काफ़ी भव्य गार्डन है ये। लोग हर्बल गार्डन, आध्यात्मिक गार्डन, वोनसाई गार्डन और म्यूजिकल गार्डन भी जा सकेंगे। इस वर्ष से एक ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी शुरू की गई है, जिसके तहत आगंतुक गार्डन में अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बना सकते हैं। ट्यूलिप और विदेशी फूलों के साथ इस साल के उद्यानोत्सव का मुख्य आकर्षण बल्ब नुमा फूल है। वे लाल, सफ़ेद, नारंगी के ज्वलंत रंगों में हैं, जो लाल और गुलाबी रंग के साथ मिश्रित हैं। विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों के फूलों के कालीनों को केंद्रीय लॉन में प्रदर्शित किया जाएगा, जो बागवानों के कौशल और शिल्प को प्रकट करते हैं। इस वर्ष के सजावटी फूलों की रंग योजना सफ़ेद, पीले, लाल और नारंगी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। UAE ने अबू धाबी के अमीरात से सटे एक क्षेत्र में 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। इसके प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे? यह 15 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोज है। यह खोज गिलगिनिश के बाद सबसे बड़ी वैश्विक गैस खोज के रूप में रैंक करती है। तुर्कमेन गैस क्षेत्र दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व है। यह वर्ष 2005 में खोजा गया था और लगभग 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस धारण करने का अनुमान है। देश 2030 तक गैस आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो इसे कतर से आयात पर अपनी निर्भरता को तोड़ने की अनुमति देता है। यह जमा देश की संपूर्ण गैस मांग को लगभग 3 दशकों तक पूरा कर सकता है। यह जलाशय से बरामद होने वाली गैस की मात्रा पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, अब UAE ने क्या किया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो अब यही क्वेश्चन बन सकता है कि जो UAE है उसने कितने ट्रिलियन फीट क्यूबिक प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। तो स्पेशल नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे फिक्की को, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। फिक्की इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अब यह है क्या? भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। दिसंबर 2016 से पंकज पटेल अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं दिलीप चिनॉय, जो कि 17 अप्रैल 2018 को बने हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो बनी है वो संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष उदय शंकर जी भी हैं। ओके, अब बात करेंगे स्टेट से क्वेश्चन की, वो स्टेट कौन सा हमने आज डिस्कस करना है। तो हम आज डिस्कस करेंगे स्टेट गुजरात को। गुजरात में, गुजरात का अर्थ होता है गुर्जर प्लस त्रा, मतलब धन त्रा। त्रा का मतलब होता है भूमि। गुर्जरात्र पहले इसका नाम हुआ करता था और इसको जब सरल भाषा में कन्वर्ट किया गया तो गुजरात हो गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। जिले वहाँ पर 33 है। राजभाषा यहाँ की गुजराती है। गुजरात का गठन आपको याद रखना है, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र का भी गठन दिवस है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीमाएं गुजरात की पूर्व में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, उत्तर में पाकिस्तान से और पश्चिम में अरब सागर से मैच करती हैं। और राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, जो कि भाजपा से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 182 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 11 हैं और लोकसभा की सीट 26 आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट हैं 33, लोकसभा की सीटें हैं 26
और 11 सीटें जो हैं राज्यसभा से आती हैं। उच्च न्यायालय गुजरात के न्यायाधीश जो है वो इस समय विक्रमनाथ है। प्रमुख उत्पादन जो यहाँ का है वो है कपास और मूंगफली। नर्मदा नदी जो है उसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। भुज नामक भूकंप जो आया था 26 जनवरी 2001 को वो गुजरात में ही आया था। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है वो भावनगर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात राज्य से कर्क रेखा, अब क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात राज्य से कर्क रेखा किस उसकी किस सीमा से निकलती है। उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। लोथल बंदरगाह जो कि हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था, तो वो भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। अमूल मिल्क वो भी गुजरात में अवस्थित है। अमूल की फुल फॉर्म कई बार आई हुई है, तो उसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी गुजरात में अंदर है, और जो एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुजरात से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपको याद रखना है। ओके, स्टैटिक जीके में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क। ओके, दुधवा नेशनल पार्क एक ही उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है। ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, और ये नेपाल की सीमा से लगा हुआ तराई भावर क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में स्थित है, तराई भावर क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क जो है अवस्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, हिरणों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हाथी, शियार, लकड़बग्घा और एक सींग वाला गेंडा जो है वो यहाँ पर से निवास करते हैं। कतरनिया घाट जो है यह दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ताजे पानी में कई में पाई जाने वाली मछलियाँ, अन्य कई प्रकार के जलीय प्राणी भी यहाँ पर मिलते हैं। राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क यह डॉल्फिन के लिए एक घर है। यहाँ पर 8 प्रजाति के कछुए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पार्क घड़ियाल अप्रवासी चिड़ियों के लिए भी माना जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर लाल मुर्गी, हॉर्नबिल, पी फाउल, फिश ईगल, ब्लैक नेक स्ट्रोक, वीली नेक स्ट्रोक, ड्रोगो, नाइजार, ग्रीन पिजन, स्पाउट आउल, जंगल बॉबलर, ब्लैक फ्रैकोलिन, फिश आउल आदि यहाँ पर पाई जाती हैं। सूर सरोवर वर्ड सेंचुरी जो है यहाँ पर 165 प्रजातियों के पक्षी मिल जाते हैं, तथा यहाँ एक विशाल झील है और कई छोटे छोटे तालाब भी हैं। ओके, तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ये एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। ओके, कार्य का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा, जूल होता है। प्रकाश वर्ग का मात्रक क्या होता है, दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लिस्क का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है, तृतीय नियम के कारण होता है ये संभव। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो वो होती है संवेग संरक्षण प्रणाली पर आधारित होती है रॉकेट की कार्य प्रणाली। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है, तो विश्राम जड़त्व कारण होता है। अश्व का मतलब हुआ घोड़ा। ठीक है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर की ओर रहता है, तो 1/10 भाग जो रहता है। अभी कभी आपने देखा हो, ये हमारा गिलास है, इसमें पानी है। ओके, अगर इसमें हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, तो कभी भी आप लोगों ने शरबत पिया होगा, तो कभी भी बर्फ़ का टुकड़ा पूरा नहीं डिप होता है, इतना जो है आधा ऊपर रहता है और थोड़ा नीचे रहता है। तो ये होता है 1/10 पार्ट जो है वो सतह के ऊपर रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इतना ही वीडियो था हमारा आज का। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का विद स्टैटिक जीके, स्टेट स्पेशल नॉलेज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो बिल्कुल भी, आप शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। और
आप कमेंट जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप ट्विटर और शेयर चैट ऐप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और आपको अगर PDF चाहिए क्लास का तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए और अपने मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।